वो सब कुछ हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेट स्टार्ट ओके So, important words are programming, artificial intelligence, assembly language, low level language, high level language, programmer, machine code, symbolic, natural language, syntax, alphanumeric, translator, assembler, compiler. इंटरप्रिटर अल्गोरिदम फ्लोचार्ट ओके ये सारे जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स इस चैप्टर से रिलेटेड है और लैंग्वेज में जो जो टर्म्स यूज होती हैं उसके नाम है ये सारे ओके okay, ये सारे वर्ड्स आप अच्छे हैंडराइटिंग से अपनी कंप्यूटर नोटबुक में लिख लोगे ओके नाव यूल स्टार्ट चैप्टर Introduction Communication is the medium through which we can express our ideas to others. To communicate with other people, we need a language like Hindi, English, Bengali, etc. Similarly, to communicate with the computer, we need a language that the computer can understand. C you that the computer language. नहीं समझता है ओके कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज हम जो भी लैंग्वेज में हम जो भी टाइपिंग करते हैं जैसे कि हमें विनय लिखना है तो वी आई एन वाई एन ए वाई तो कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि उसे वी टाइप करना है हम वी प्रेस करते हैं यहाँ से तो कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि उसे वी टाइप करना है कंप्यूटर को सिर्फ इतना पता है कि इन लोगों ने अगर ये की कुछ प्रेस की है तो इस की के नीचे कोई कोड है वो कोड उसे जनरेट करना है ओके okay? तो कंप्यूटर और हमारे बीच में एक लैंग्वेज होती है ट्रांसफर ट्रांसलेटर होता है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है फिर कंप्यूटर जो हमें आंसर देता है उसको वो वापस हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ओके okay? तो ये जो सारा काम करते हैं दे आर ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रिटर ओके तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में लर्न करेंगे ओके okay? लेट्स A computer is a machine and it requires a special language through which we can communicate with it. For this purpose, different languages have been developed. These are called computer languages. In this chapter, we will study about the basics of computer languages and computer programming. कंप्यूटर में जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर है कंप्यूटर वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है ओके तो उसको मशीन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है तो तो उसके लिए कंप्यूटर के जनरेशन में बहुत सारी लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ है ओके okay? और ये जो सारी लैंग्वेजेस होती हैं इट इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की जो एक बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके बारे में लर्न करेंगे And basic programming Computer program A program is a set of instructions given to the CPU in a predefined sequence to complete a task. Every task may need a separate set of instructions to complete it. The programs are written in computer language with a predefined syntax.

तो कंप्यूटर में जो उस जो दिए जाते, है, uh, जाते हैं वर्ड्स जो दिए जाते हैं दे आर सिंटेक्स सिंटेक्स क्या है सिंटेक्स इसे ग्रामर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर में जो कुछ भी हम बात करते हैं कंप्यूटर में जो कुछ भी मिस कर रहे हैं डेटा वो क्या होते हैं उसके सिंटेक्स होते हैं ओके लेट्स कंप्यूटर लैंग्वेजेस A computer language is the means by which instructions and data are transmitted to the computer. In other words, computer language is an interface between a computer and human beings. It is a set of words, symbols, and codes that the computer can understand. It is used to write a computer program. कंप्यूटर लैंग्वेज इज अस बाई विच इंस्ट्रक्शन आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर की कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है वो एक लैंग्वेज है एक means से हम दोनों के बीच में फॉर एग्जाम्पल हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक वो मीन्स है ट्रांस ट्रांसफर करने का जो बात हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं वो कंप्यूटर को ट्रांसलेट जो करता है वो कौन होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है ओके okay? वो उसको उसके मीडियम में ट्रांसलेट कर देता है ओके okay? तो यहाँ पे क्या होगा कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं वर्ड्स होते हैं सिंबल्स होते हैं कोड्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं सारे वर्ड्स को जनरेट करने के लिए और और वो जो सारे कोड्स है वो क्या यूज होते हैं वो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए यूज होते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग पीपल हु राइट दीस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स

ग्राफिक और सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है यहाँ पे बट जो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज होती है दे आर बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस बट जो स्पेशली साइंस के और बिजनेस के एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं जैसे कि नासा के और उसके सारे ऐप में जो यूज होते हैं वो अलग ही होते हैं सारे वो डिफरेंट टाइप के पूरे कोडिंग होते हैं ओके बिजनेस एप्लीकेशन

और हाई लेवल में क्या क्या आता है थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज ओके नाउ सी, ये अब हम इसके बारे में सबके बारे में लर्न करेंगे आपको ये चार्ट याद रख लेना है लो लेवल लैंग्वेज ट्रिपल एल अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मशीन डिपेंडेंट a machine dependent language runs only on one particular type of computer these programs are not easily portable to other type of computers. see low language jo hoti hai wo kya hoti hai wo machine dependent language hoti hai okay ये सारे computer में run करने के लिए नहीं होती है ये पर्टिकुलर कोई जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर ही रन करने के लिए यूज होती है Is. There are two categories of low level languages that are machine language and assembly. Low level language may be kitne part hai uske, two parts the machine language and ek assembly language. Assembly language Machine language Machine language is the only language understood by a computer. It is also known as first generation language one G L. Machine language is almost impossible or difficult for humans to use because they only consist of two digits zero and one called binary digits or bits. The zero stands for off and one stands for on. See, machine language johe naisa Okay, machine language is vopura computer the ke understanding keli, okay? मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है यानी okay? या कोई कोई और, और जीरो और वन का मतलब क्या होता है एक तो ये जीरो और वन क्या होते हैं वो दोनों बाइनरी डिजिट होते हैं क्या होते हैं ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं या तो आप इसे बाइनरी डिजिट कह सकते हो या तो इसे कह सकते हो अब तो इसका यूज क्या होता है तो इसका यूज ये होता है कि जीरो का मतलब होता है कि ऑफ और वन का मतलब होता है कि ऑन ऑन तो अब वो ऑफ से हम क्या समझेंगे तो तो ऑन ऑफ से हम तो कुछ समझ ही नहीं सकते ओके मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है इट इज फॉर कंप्यूटर्स ओनली असेंबली लैंग्वेज टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड It is also known as second generation language 2GL. It is the language in which operation codes are given in the form of alphanumeric symbols called machine codes instead of 0 and 1. In an assembly language, a programmer writes abbreviations such as A for addition, C for compare, L for load, and M for multiply.

High level language HLL is a programming language that enables a programmer to write programs that are machine independent. These languages are considered high level as they are closer to human languages and away from machine languages. The main advantages of high level languages over low level languages is that they are easier to read, write, and maintain. The programs written in a high-level language must be translated into machine language by using a translator called compiler and interpreter. C. Now आता high level language yani HLL. Low level language ka क्या LLL short form and high level language HLL. High level language mein kya hota hai? Ek programming language hai. और ये प्रोग्रामर को हेल्प करती है प्रोग्राम्स लिखने के लिए ओके और ये मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स जो मशीन इंडिपेंडेंट होता है समझने के लिए ये ज्यादा इजी पड़ता है और इसे हाई लेवल लैंग्वेज इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारी ह्यूमन की लैंग्वेज है उससे रिलेटेड होती है और ये मशीन लैंग्वेज से बहुत ही उसका दूर है कनेक्शन उसे मशीन लैंग्वेज जितना जैसे वो नहीं होता है हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड ये होता है और इसका मेन एडवांटेज क्या है कि ये लो लेवल लैंग्वेज से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है हम इसे जल्दी समझ सकते हैं हम जो भी हाई लेवल में लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है तो ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर करके आते हैं एप्लीकेशन मशीन आते हैं कंपाइलर इंटरप्रिटर जो क्या करते हैं लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं ओके okay? तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे ओके स्टूडेंट्स बाय बाय